वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स इन श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोसा। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आवर 32 वीडियो लेक्चर ऑन इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट्स। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो अबाउट द सेल्फ बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिकोगनाइज आवर सेल्फ एज फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी रिकोगनाइज अदर वैल्यूज ऑफ द नेचर दैट इज लाइज ऑन द अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले अपने बारे में जानना होगा क्योंकि हम मानवीय प्राणी हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे अंदर एक सही समझ और ज्ञान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। प्रकृति में विद्वान वे सभी अवस्थाएँ जो हमसे कनेक्टेडनेस है, जुड़ी हुई है, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमारी जो ज़रूरत की बात है वो है खुद का परीक्षण करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर इनेटनेस एंड मूविंग टुवार्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई आवर स्वतः एंड थ्रू दैट एक्वायरिंग स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। तभी जा करके हमारा कनेक्टेडनेस दूसरी प्रजातियों से होगा। कब? जब हम अपना खुद का जांच या परीक्षण न कर लें। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम पहचानते हैं हमारी खुद की जीवंतता किस माध्यम से हैं और हम किस प्रकार से हम अपने खुद के अंदर ही गति कर रहे हैं। एंड सेल्फ एक्सप्रेशन हम खुद से खुद किस प्रकार से रूबरू हो रहे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इस प्रकार की प्रक्रिया जो कि आत्म परीक्षण करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी मदद करती है। किस काम में? टू आइडेंटिफाई, पहचान करने में। किस चीज़ की पहचान करने में? हमारी खुद की सत्व, हमारा खुद का स्वत्व क्या है। थ्रू दैट एक्वायरिंग स्वतंत्रता, इसके माध्यम से हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है और स्वतंत्रता से स्वराज्य प्राप्त होता है। स्वत्व क्या है? इननेटनेस ऑफ सेल्फ, अपने खुद के बारे में जीवंतता या खुद की अस्तित्व के बारे में जानकारी होना। द नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हार्मनी, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक स्वीकार्यता रूपी समरसता है। स्वतंत्रता, बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इंसान अपने द्वारा ही निर्मित ऐसे संस्कारों से सुखी और समृद्धता हासिल करता है। स्वराज्य क्या होगा? जब इंसान खुद के द्वारा निर्मित नैतिक संस्कारों से खुशी प्रदान या हासिल करता है, उसी खुशी को दूसरे को प्रदान करता है या उसको भी उसी तरह से जीवन जीना सिखाता है, वह स्वराज्य है। तो स्वत्व से स्वतंत्रता और स्वतंत्रता से स्वराज्य। द स्वत्व इज ऑलरेडी दिया, ये तो पहले से ही हमारे अंदर विद्वान है। इंटैक्ट इन ईच वन ऑफ अस, इससे हर एक को जुड़ना होता है। बाय बीइंग इन डायलॉग विद इट, चाहे तो किसी के द्वारा सुन करके या बता करके। वी अटेन स्वतंत्रता, जब हम इससे जुड़ते हैं, लगाव करते हैं, तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एनेबलिंग अस टू वॉक फॉर स्वराज्य, और हमें स्वराज्य बनाने या मेंटेन करने की शक्ति प्रदान करती है। इससे पहले हमें अपने बारे में ढंग से समझना हो। कैसे समझें हम अपने बारे में? अपने बारे में हम समझें कि ह्यूमन रिलेशन, इन चीज़ों के माध्यम से हम समझते हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सोशल बिहेवियर, मोटिवेशन, ठीक। ह्यूमन रिलेशन क्या चीज़ है? एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से हम एक दूसरे व्यक्तियों से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, वो मानवीय संबंध है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? ये एक ऐसी कड़ी है,
एक ऐसी दूरी है जो कि इंसान को उसकी कमियां और उसकी ताकत को बताती है। सोशल बिहेवियर क्या है? ये एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा समाज में पाए जाने वाला एक सिद्धांत है जिसके माध्यम से हमारी जैसे लोगों के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं और उसके के ताल्लुकात के माध्यम से जो हम जीवन जीते हैं वही हमारा सोशल बिहेवियर होता है। मोटिवेशन, ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स, ये एक ऐसी ताकत है जिसके माध्यम से हम या तो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। द ड्राइव्स बिहेवियर टुवार्ड सम गोल, एक ऐसी ताकत के माध्यम से जो कि इंसान अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है वो मोटिवेशनल पावर कहलाती है। ह्यूमन रिलेशनशिप, इसको जानना जरूरी है। ह्यूमन रिलेशन कैन बी डिफाइंड एज द कॉर्डियल एटमोस्फियर, ये आत्मिक संबंध को या वातावरण को दर्शाता है जहाँ पर वो इंसान रहता है, उन लोगों के साथ में उठता बैठता है या काम करता है, वो तरीका ही वो संबंध बताता है जिसके माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, जुड़ते हैं, वो मानवीय संबंध है। एक दूसरे की आवश्यकताओं को पहचानते हैं, एक दूसरे के विचारों को पहचानते हैं, संस्कारों को पहचानते हैं, स्वभावों को जानते हैं। दे हैव इंटरेस्ट एंड फीलिंग फॉर ईच अदर लीडिंग टू बेटर मोटिवेशन, एक दूसरे के व्यवहार, कार्य, व्यवहार, भावनाओं को जानते हुए बेहतरीन प्रोत्साहन के माध्यम से लोगों के बीच में एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, तैयार करते हैं जहाँ पर सभी लोग अच्छा महसूस करें, वो मानवीय संबंध को दर्शाता है। अब म्यूचुअल फुलफिलमेंट तो देखते हैं कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट इंटरकनेक्टेडनेस कैसे है। देयर इज म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमोंग द फोर ऑर्डर्स ऑफ नेचर एज वेल एज विद इन देम। म्यूचुअल फुलफिलमेंट मीन्स दैट ईच यूनिट्स ऑफ द फोर ऑर्डर्स इज रिलेटेड टू ईच अदर एंड एनरिचिंग टू ईच अदर। पारस्परिक आपूर्ति से तात्पर्य उन ऐसी चीज़ों से हैं जो प्रकृति में विद्वान उन चारों अवस्थाओं के बीच में एक ऐसी गतिविधियाँ घटित होती है जिसके माध्यम से ये चारों अवस्थाएं एक दूसरे से आपस में जुड़ी रहती है तथा एक दूसरे को पोषकता प्रदान करती है। एक दूसरे को पोषकता प्रदान या पोषकता प्राप्त होने वाली चीज़ को ही पारस्परिक संबंध को कहा जाता है। जैसे प्लांट्स रिसीव द न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म्स ऑफ सॉइल, मिट्टी से पेड़ पौधों को पोषकता और लवण मिलते हैं, पेड़ पौधा बन जाता है, पौधे से पेड़ बन जाता है, फलता फूलता है, फिर नष्ट हो जाता है। जब वो नष्ट होता है तो न्यूट्रिएंट एनरिचिंग द सॉइल, उसमें व्याप्त जो पोषक होते हैं वे पोषकता मिट्टी को प्राप्त होती है। इसके अलावा पेड़ पौधों का जो नष्ट होना होता है उनसे जीवाश्म का निर्माण होता है, उस जीवाश्म से हमें कोयले और ईंधन रूपी पदार्थ प्राप्त होते हैं जो कि आर स्टोर्ड डीप विद इन एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हीट फ्रॉम द मोल्टन कोर इनसाइड द अर्थ। ये पृथ्वी की अथाह गहराइयों में चले जा करके वहाँ पर हमें इन प्राकृतिक ऊर्जा रूपी स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, कोयला और ईंधन। इसके अलावा अथाह गहराई के अंदर जो वहाँ लावा रूपी आग जो निकलती है उससे भी पृथ्वी की सतह को बचाते हैं। यहाँ तक ये पृथ्वी की नीचे की सतह को उस गर्मी से बचाते हैं तो ऊपरी सतह को इस सूर्य की रोशनी से, सूर्य की गर्मी से बचाते हैं। इस प्रकार से, किस प्रकार, इस तरह से मेटेरियल ऑर्डर्स और बायोप्लांट ऑर्डर्स के बीच में पारस्परिक संबंध देखने को मिलता है, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू द वेरियस लेयर्स ऑफ द सॉइल, इस प्रकार से इन पेड़ पौधों को मिट्टी की अनेक परतों के माध्यम से पोषकता प्राप्त होती है। और वैसे ही
सॉइल इज हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स विच आल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये मिट्टी भी तभी जाकर के सुरक्षित होती है जब इन पेड़ पौधों की जड़ों के माध्यम से इनमें इरोजन क्षरण कटाव की स्थिति को रोका जाता है। इस प्रकार ये एक दूसरे की पारस्परिक रूप से सहायता करते हैं। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं कि ये पेड़ पौधे विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पर्यावरण के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी करते हैं। इस तरह से बायो प्लांट ऑर्डर एंड मेटेरियल ऑर्डर हैज न्यूचुरल एक्सिस्टेंस इन द इन ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट विथ ईच अदर। प्रकृति के अंदर ये दोनों एक ऐसा जीवंत उदाहरण है जो पारस्परिक पूर्ति के सिद्धांत का पालन करते हैं। इसी कड़ी में आगे ये बायो प्लांट पशु पक्षियों को भी भोजन प्रदान करते हैं। बेस्ड ऑन द मेटेरियल ऑर्डर्स, कैसे? नेसेसिटीज फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, पेड़ पौधे और इन जानवरों की दोनों की जो आवश्यकताएं होती है पानी और हवा होती है। ये दोनों चीज़ें, देयर इज एनरिचमेंट ऑफ सॉयल फॉर हैविंग गुड प्लांट्स, जमीन से पौधों को बहुत अच्छी पोषकता प्राप्त होने से ये अच्छा पेड़ बन जाता है और वहाँ से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो कि पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों को भी प्राप्त होती है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स ऑर्डर, पेड़ पौधे जब तैयार होते हैं तो जानवरों को भोजन की व्यवस्था होती है। प्लांट ऑर्डर इज फैसिलिटेटेड बाय द एनिमल ऑर्डर ऑन म्यूचुअल फुलफिलमेंट बेसिस। इस तरह से जानवरों से पेड़ पौधों को खाद रूपी पोषकता प्राप्त होती है, तो यहाँ पर भी इन दोनों का पारस्परिक संबंध देखने को मिलता है। इट मे बी नोटेड दैट इन नेचर ऑल द थ्री ऑर्डर्स, इस प्रकार से प्रकृति के अंदर इन तीनों अवस्था के पारस्परिक संबंधों को देखा बजाय मानवीय अवस्था की। ये तीनों आपसी पूर्ति में सहायक हैं एज वेल एज अदर, जैसे और भी हैं। ओनली ह्यूमन ऑर्डर हैज टू वर्क हार्ड टू एंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट विथ अदर ऑर्डर्स, मनुष्य को दूसरी अवस्थाओं से पारस्परिक पूर्ति करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये और अवस्थाओं के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। क्यों नहीं बैठा पाता? क्योंकि पोल्यूटिंग द सॉइल, इसका कार्य क्या होता है? प्रदूषण फैलाना, दूषित करना, डिप्लेंटिंग द फ्यूल्स, प्राकृतिक स्रोतों को नष्ट करना, इसका काम है। Humans depends on plants for food. मानव को ये पता है कि भोजन के लिए उसे किस पर आश्रित होना पड़ता है? वनस्पति पर, इकोसिस्टम पर। लेकिन ये जानते हुए भी वो उसको नुकसान पहुंचाता है, पेड़ पौधों जंगलों को नष्ट कर देता है, पेड़ पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर देता है, कई प्रकार की झाड़ियाँ औषधियों पौधे होते हैं उनको नष्ट कर देता है। Humans have destroyed the balance. इस तरह से इकोसिस्टम में व्याप्त संतुलन को बिगाड़ने का कार्य मनुष्य करता है। ये चारों अवस्थाएं कैन बी अंडरस्टूड इन फॉर्म्स ऑफ देयर एक्टिविटीज, इनको इनकी गतिविधियों से पहचाना जाता है ना। इननेटनेस, जीवंतता, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, इनकी प्राकृतिक विशेषताएं चारों की कौन कौन सी है, बेसिक एक्टिविटीज इन चारों की कौन सी है, कन्फॉर्मेंस इन चारों की कौन सी है, जो कि हमने एक वीडियो के अंदर इनके बारे में बताया है। अब हम देखते हैं फैमिली टू सोसाइटी, मनुष्य किस तरह से आगे अग्रसित होता है, अपने संबंधों को किस तरह से आगे तक पहुंचाता है और प्रकृति की अनदेखी कर देता है। अंडरस्टैंडिंग दैट रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन सेल्फ एंड द अदर सेल्फ, पहले मनुष्य अपने अस्तित्व को जानता हुआ दूसरे लोगों के बारे में भी समझता है। पीपल नो दैट द रिलेशनशिप आर नॉट लिमिटेड, मनुष्य इस बात को जानता है कि उनके संबंध सीमित नहीं हैं, बट एक्सटेंड टू इंक्लूड ऑल ह्यूमन बींग्स,
वो परिवार से निकल करके बाहर समाज में काफ़ी लोगों तक अपने संबंधों को फैलाता है। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज टू फील रिलेटेड टू एवरीवन। इस प्रकार से प्राकृतिक स्वीकार्यता का जो निबंध वो जो कि संबंध होता है वो हर एक से जुड़ा हुआ है। पीपल वांट टू बी हैप्पी एंड आल्सो वांट टू मेक अदर हैप्पी इवन आउटसाइड फैमिली। कौन सा कि मनुष्य हमेशा खुश रहना चाहता है और दूसरों में भी खुशी देखना चाहता है। दिस इज ट्रू विथ फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स को वाका टीचर्स एट्सेट्रा। ये सही बात है कि उसकी जो सोच होती है वो ये होती है कि सभी लोग खुश रहें। द नेचुरल एक्सेप्टेंस इज टू बी इन हार्मनी। प्राकृतिक स्वीकार्यता का सिद्धांत क्या होता है? सभी जगह पर समरसता बरसे, टू को एग्जिस्ट विथ एवरीवन, मतलब सभी का एक दूसरे के अंदर किसी न किसी प्रकार से लगाव जुड़ाव या अस्तित्व है। पीपल एंजॉय ए फीलिंग ऑफ एश्योरेंस एंड ट्रस्ट व्हेन दे लिव इन द सोशल सर्कल। जब सामाजिक दूरी में सामाजिक या समाज के अंदर समाज रूपी क्षेत्र में जब निवास करता है तो वो बहुत अच्छा फील करता है, क्योंकि सभी लोगों के बीच में या और लोगों के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम रहता है, तो उसको एक अच्छा अनुभव महसूस होता है। हार्मनी इन द फैमिली लीड्स टू हार्मनी इन सोसाइटी। देखो, खुशी खुशी को जन्म देती है। परिवार में जब प्रसन्नता है तो समाज में जाकर के भी खुशी फैलाएगी। लेकिन मनुष्य का जो क्या है, एक आदर्शवादी इंसान का जो लक्ष्य होता है वो यह होता है कि सबसे जरूरी बात है राइट अंडरस्टैंडिंग हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। हर परिवार के अंदर समृद्धशीलता होनी चाहिए, हर एक समाज के अंदर विश्वास एक दूसरे के प्रति होना चाहिए और प्रकृति के अंदर अपना अस्तित्व जैसा गुण भी मानना चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन। अच्छे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। इसके बिना आदमी प्रकृति के अंदर प्रकृति के बैलेंस को संतुलन को खराब ही करेगा और प्रसन्नता की जगह दुख या अप्रसन्नता फैलाए। और हर एक परिवार की आवश्यकता है समृद्धशीलता, जो कि ये हमारे इस राइट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित है। हमें पहचान करना आना चाहिए कि हर एक इंसान की वास्तविक ज़रूरत किस चीज़ की है और उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। जब हमें ये भान हो जाता है तो निश्चित तौर से इंसान में संतुष्टि आती है। इट देयर इज ट्रस्ट इन द सोसाइटी। समाज के अंदर ये एक विश्वास जो कि हर एक इंसान को एक दूसरे से जोड़ता है, और जब इंसान में ये विश्वास कायम हो जाता है तो वह अपने आप को सुरक्षित और निडर महसूस करता है। इस तरह से इंटरकनेक्टेड आपसी पारस्परिक भावनाओं के माध्यम से हम इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।